जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पे, जो उनका पैतृक निवास था वो भी यहीं से थे। तो वहाँ भी एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है, तो उस म्यूज़ियम के अंदर देखते हैं क्या क्या है। बाकी काशी की गलियाँ तो फेमस ही हैं, प्रसिद्ध हैं। आप आइए, एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी, ऐसे चलते जाइए। लोग भी बड़े प्रसिद्ध हैं, मज़ेदार हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं एग्जैक्टली लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पर। गेट से आपको दिखाते हैं, ये है मुख्य दरवाज़ा शास्त्री जी के घर का। ऊपर आप देख सकते हैं संग्रहालय यहाँ पे बना हुआ है, और वही नेचुरल जो काशी की छोटी छोटी गलियाँ हैं उसी हिसाब से। यह है रसोई, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी की माँ खाना बनाती थी, रहती थी। और ये उनका पुराना कमरा, लगभग उसी स्वरूप को दर्शाने के लिए बनाया है, रिनोवेट किया है उस सबको थोड़ा। और वो ज़्यादा समय तक नहीं रहे हैं, 10 साल की उम्र तक ही रहे। उसके बाद आंदोलनों में उन सब में वो जाने लगे, तो 17 साल की उम्र में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके थे। तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद उन्हें कभी समय नहीं मिला इधर वापस आने का। एक बार प्रधानमंत्री जब वो थे तो अपने इस पैतृक घर में आए थे। साथ ही जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, तो इसके साथ में कई कॉन्स्पायरेसीज जुड़ी हुई हैं, मतलब कि कई ऐसी घटनाएँ हैं जो विवादित हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की भी घटना है। कहा जाता है कि जब वो ताशकंद में थे और वहाँ वो जो समझौता करके आते हैं, तो शाम को अपनी पत्नी हैं उनके पास फ़ोन करते हैं, बातें होती हैं, तो उनसे कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ अपने साथ ला रहा हूँ, बहुत अच्छी खबर लेके आ रहा हूँ। और वो खबर ये थी कि वो वहाँ पर कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी से मिले, और मिलने के बाद शायद तय हुआ होगा कि सुभाष जी को देश लाया जाए वापस। पर यहाँ आने से पहले ही वो खबर सुना पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु थी, सबको पता है। कैसे हुई किसी को नहीं पता, क्योंकि वो खुलने नहीं दिया गया। मृत्यु कहते हैं, हुई तो वो हत्या थी, तरीके कुछ अलग प्रयोग किए गए। ये हैं राजनीति के कारण। शास्त्री जी के घर से अभी वापस निकले हैं और वापस जा रहे हैं हम शायद अपने हॉस्टल। बाकी अगर कुछ प्लान गड़बड़ रहा तो बीच में डिसाइड करेंगे। 4-5 लोग हैं साथ में, हॉस्टल में ही मिले थे, तो अभी तो लगभग ऐसे हैं हम जैसे पुराने दोस्त हों। तो पहले हॉस्टल, उसके बाद शाम को फिर से आएंगे आरती के लिए, गंगा आरती। तो मे बी या तो दशमेश घाट से या नाव में बैठ के क्रूज से वो देखेंगे। अभी मित्रों, साथियों, दोस्तों, मैं हूँ 80 घाट पे, 80 घाट बनारस। तो पीछे आप देख सकते हैं नाव खड़ी है, थोड़ा ऊपर है अखाड़े के पास में। दिन आज का अच्छा रहा, अभी कुछ खाना वाना खाया था, उधर से निकले हैं। तो अभी जाएंगे मणिकर्णिका घाट के लिए, और वहीं पे आरती होती है, उसके पास में ही है दशाश्वमेध घाट। और जो अपने मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, वो भी वहीं है। और उसके बाद अपने दिन का विराम लेंगे घूमने का, क्योंकि कल सुबह फिर से बड़ा जल्दी आएंगे हम, लगभग 3-4 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए। अभी हम निकले थे 80 घाट से आगे। यहाँ एक क्या बात है कि यहाँ पे लगभग 82 घाट हैं पूरे वाराणसी में, और जो सबके सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो मतलब आपको क्या करना है कि किसी भी एक घाट पे चले जाओ। 80 में इसलिए कहता हूँ कि वो बिल्कुल लास्ट का घाट है। वहाँ से जब शुरू करोगे तो चलते 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 आपको लगभग 1.5 या 2 घंटे लग जाएंगे, धीरे धीरे सारे घाट पे घूमते देखते। और सब जगह कुछ ना कुछ अलग दिखता है, बाकी लोग सब जगह एक ही जैसे हैं। कुछ जगह प्रेमी युगल, कुछ जगह बाबा लोग, कुछ जगह हमारे जैसे। लेकिन बनारस आए हो तो साइट सीइंग का एक पॉइंट यही है कि आप एक घाट से दूसरे घाट ऐसे चलते हुए घूमते रहें और लोगों को, चीज़ों को देखते रहें। अभी हैं हम दशाश्वमेध घाट पे,
आरती देखने इधर आए हैं। तो यहाँ वाराणसी की जो सबसे बेस्ट आरती है वो इसी घाट में मिली। यहाँ जो आरती है उसका पूरा भव्य स्वरूप दिखता है। मोदी जी भी जब आते हैं तो यहीं पर आरती देखते हैं। दूसरा अलकनंदा क्रूज या नाव से व्यवस्था ये होती है कि आप कहीं से भी आएंगे, इसके सामने पीछे की तरफ नाव लग जाएगी और फिर आरती का आनंद लोग लेते हैं। हम बैठे हैं सबसे फ्रंट वाली नाव में, कोशिश यही रहती है कि सबसे आगे रहें। चलिए आरती देखिए अभी।